लव लव लव, प्यार प्यार प्यार। भाई इसी बात पे ना मुझे लव बर्ड्स की याद आ गई है, जो है काम्या एंड शलभ, जिनकी शादी है आज, लेकिन कल हुई मेहंदी की रस्म, यानी कि मेहंदी लगाई काम्या ने। कौन कौन आया और क्या क्या हुआ वहां पर, आपको सब दिखाएंगे हम अभी सास बहू और सस्पेंस में। तो लेकर चलते हैं आपको काम्या की मेहंदी की रस्म में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाचते गाते धूम मचाते आई काम्या की बारात। सहरा सजाए गोल्डन शेरवानी में सलभ बारातियों के साथ पहुंचे, तो लहंगा चोली में दुल्हन बनी काम्या भी पहुंची घर वालों के साथ। वरमाला की रस्म में हमें सलभ और काम्या दोनों की मस्ती भी देखने को मिली। मुंबई के बोरीवली इलाके में हो रही इस वेडिंग की शानदार तैयारी की गई। दोनों हिंदी रीति रिवाज से शादी करेंगे। इसके बाद दोनों गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी जाएंगे। बैंड बाजा और बारात से पहले काम्या और शलभ की मेहंदी की रस्म भी काफी ग्रैंड अंदाज में हुई। जब प्यार के रंग मेहंदी में मिल जाए, पिया का नाम हाथों पर सज जाए, तो मेहंदी की रस्म वेरी वेरी स्पेशल क्यों ना बन जाए। बहुत पेशेंस चाहिए मेहंदी लगाने के लिए। बाप रे, 2 बजे से मैं बैठी थी, एटलीस्ट आई थिंक 6 घंटे लगे हैं। तो मुझे जब 6 घंटे लगे मेहंदी लगाने में, तो ये समझ में आया कि हाँ, आज मेरी मेहंदी है। मेहंदी की रस्म में भी टीवी के कई चेहरे पहुंचे। मुझे सारे रस्म ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने सलभ को पहले ही कहा था कि मैं शादी चाहे बड़ी करूं या छोटी करूं, मैं रस्म जो भी है वो हर एक करना चाहती हूं, तो मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। मेहंदी की रस्म के बाद काम्या और शलभ दोनों सास बहू और सस्पेंस के कैमरे पर साथ साथ हैं। शक्ति की प्रीतो यानी काम्या ने अपने हाथों पर शलभ और काम्या का कॉम्बिनेशन यानी काशा लिखवाया है। गणपति के मंत्रों के साथ इस पर शलभ का नाम भी लिखा है, जिसे ढूंढने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। काफी कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे काशा लिखा हुआ है, यहाँ पे SNK लिखा हुआ है, यहाँ गणपति का मंत्र है, और यहाँ पे गणपति का फेस भी है, तो और कई इसमें कहीं शलभ का नाम भी है जो मुझे भी नहीं मिल रहा। सीरियसली बहुत बढ़िया किया है जिसने भी काम किया है, एंड यू नो जो डिटेलिंग की है बहुत बढ़िया काम है। और अब मेरा काम है इसमें शलभ ढूंढना, तो मुझे पता है अब इसमें सारे शलभ के अक्षर ढूंढने हैं मेरे को। शलभ के नाम से सजी काम्या की मेहंदी अपना मैजिक दिखा रही है, तो काम्या का नीलम परी वाला अवतार बड़ा प्यारा लग रहा है। डायमंड के नेकलेस और इयररिंग्स की चमक दिल चुरा रही है। ब्लैक शेरवानी में शलभ के साथ काम्या की जोड़ी काफी प्यारी लग रही है। हमेशा ही करता हूँ मैं, हमेशा सबके साथ ऐसी थोड़ी ना शादी कर रही हूँ मैं। मैं चाहती थी कि सारे लहंगे पहनूं मैं, क्योंकि साड़ीज मैं पहनती रहती हूँ, हर साल गणपति में साड़ीज पहनती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं फील लूं अपनी शादी का और मैं सारे लहंगे पहनूं, लेकिन हर लहंगा अपने आप से अलग होना चाहिए। मिरर वर्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये रहा मिरर वर्क। कल जो लहंगा होगा वो अलग होगा, परसों जो होगा वो अलग होगा, तो तब आप बताना कि कितनी मेहनत की है मैंने और सही की है कि नहीं। आज दुल्हन बनने जा रही काम्या का करिश्मा तो देखने लायक होगा,
क्योंकि हल्दी की रस्म हो या सगाई की, हर रस्मों को शलभ और काम्या ने अपने प्यार से स्पेशल बना दिया। जब हमने एंगेजमेंट की तभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हल्दी भी मुझे बहुत मज़ा आया। सिर्फ मेरी हल्दी नहीं थी, जितने लोगों ने मुझे हल्दी लगाई मैंने सबको हल्दी लगाई है बदले में। मैं एक्चुअली सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे हल्दी लगाते लगाते रो पड़ी, तो मुझे भी रुला दिया। आज काम्या और शलभ हमेशा हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। काम्या ने सास बहू और सस्पेंस के जरिए अपने फैंस से ढेर सारी दुआएं मांगी। मेरी हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं आप सब, मेरी खुशी का हिस्सा बनने आप सब आए हैं। मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकती, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, एंड आप सब आइए और मुझे दुआ दीजिए। सबकी दुआएं रंग लाएंगी। काम्या और शलभ की वेडिंग और रिसेप्शन के सारे रंग लेकर कल फिर हाजिर होंगे। जाते जाते बैंड बाजा बारात के लिए काम्या और शलभ को सास बहू और सस्पेंस की ढेरों बधाइयां। मुंबई सिंजी टीवी के लिए आशुतोष बड़गैया की रिपोर्ट।